दोस्तों, वैसे तो पुलिस हमारी सुरक्षा करने के लिए बनी होती है। सरकार इन्हें वेतन इसलिए देती है ताकि पुलिस आम आदमी की सुरक्षा कर सके। लेकिन दोस्तों, कुछ पुलिस वाले का रवैया ऐसा होता है कि वो बिना मतलब का किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं या फिर किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पुलिस से सुरक्षित नहीं बल्कि असुरक्षित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमारे कानून के अनुसार पुलिस को तो यह पावर जरूर है कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करे, केस में इन्वेस्टिगेशन करे, किसी से पूछताछ करे या फिर ज़रूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। लेकिन दोस्तों, पुलिस को यहाँ कतई पावर नहीं है कि वो किसी के साथ मिसबिहेव करे, किसी को गाली दे, किसी की बुरी तरह पिटाई करे। दोस्तों, आपने फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को थर्ड डिग्री देती है। थर्ड डिग्री का मतलब होता है जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को बुरी तरह से पीटती है। दोस्तों, हमारे कानून के अनुसार थर्ड डिग्री जैसा शब्द किसी भी पुस्तक में नहीं दिया गया है। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करती है तो यह कानून के अनुसार गलत है, यह एक दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, अगर पुलिस किसी के साथ मिसबिहेव करती है या फिर किसी को बुरी तरह से पीटती है तो यह एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है। अगर पुलिस के आला अधिकारियों के सामने या फिर कोर्ट के सामने यह बात साबित हो जाता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रही है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ उसकी नौकरी भी जा सकती है। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को बेमतलब का थाने में बंद कर देती है तो यह पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का हनन है और पुलिस यहाँ पर सीरियस नेचर का ऑफेंस कर रही है। दोस्तों, आज पुलिस का मनोबल दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम और आप जागरूक ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक रहेंगे तो पुलिस आपके साथ मारपीट करना तो दूर, आपके साथ मिसबिहेव करना, आपको गाली देने से पहले भी 100 बार सोचेगी। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडली रिलेशन हो। दोस्तों, समय समय पर हमारे देश के, हमारे समाज के कुछ जागरूक लोगों ने अपने जागरूकता का परिचय दिया है। दोस्तों, कई बार पुलिस किसी भी व्यक्ति को चौक पे, चौराहे पे बुरी तरह से पिटाई करती है और कुछ हमारे समाज के जागरूक लोग उसे अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना लेते हैं और फिर जब वह वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों के सामने आता है तो उस पुलिस वाले को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। दोस्तों, अगर हमारे समाज के सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो पुलिस का अंग्रेजों जैसा हुकूमत अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं पुलिस किसी चौक चौराहे पर किसी को पीट रही है या फिर किसी से रिश्वत ले रही है या फिर कोई भी अपराध कर रही है, तो फिर आप उसे वीडियो के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लें। अगर मान लेते हैं पुलिस वीडियो बनाने से किसी व्यक्ति को रोकती है तो पुलिस एक व्यक्ति को रोकेगी, दो को रोकेगी, तीन को। लेकिन मैं कहता हूँ अगर समाज के सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर पुलिस कितने व्यक्ति को रोक पाएगी। तो दोस्तों, आप कभी भी पुलिस से दबे नहीं बल्कि कानूनी तरीके से उस पुलिस वाले के करप्शन का जवाब दें। आप कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लें। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ सोचकर किसी भी पुलिस की अत्याचार सहते रहते हैं कि अगर मैं उस पुलिस वाले की शिकायत करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है, उनके आला अधिकारी, उनके सीनियर ऑफिसर मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, पुलिस भी इंसान है। हर डिपार्टमेंट में कुछ बेईमान लोग होते हैं और कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं। मैं भी मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने अपना ईमानदार होने का परिचय समय समय पर दिया है। दोस्तों, आप पुलिस की शिकायत कई जगहों पर कर सकते हैं। आप उनके आला अधिकारियों से उनकी शिकायत करें, जैसे कि DSP, SP, DIG, IG, DGP, या फिर अगर पुलिस कोई आपसे रिश्वत मांगती है तो फिर आप CBI या फिर विजिलेंस से उनकी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है और अगर वह सरकारी व्यक्ति है तो फिर आप उनकी शिकायत कैसे करें, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहां से देख लें। पुलिस पर लगाम लगाने के लिए हमारी सरकार ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बना रखा है, जहाँ पर रिटायर्ड जजों का पैनल होता है जो कि केवल पुलिस से संबंधित शिकायतों को सुनते हैं और पुलिस पर तुरंत एक्शन भी लेते हैं।
तो आप किसी भी पुलिस की शिकायत पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पुलिस बेवजह थाने में कैद कर देती है जब आपका अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो फिर आप पुलिस की शिकायत ह्यूमन राइट कमीशन में भी कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट में जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपका कोई बात नहीं सुन रहा हो, तो फिर आप कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल करके किसी भी पुलिस अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, समय समय पर हमारे समाज के कुछ जागरूक लोग पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाते हैं, और जब कोर्ट में पुलिस का दोष साबित हो जाता है तो फिर पुलिस को नौकरी तो गंवानी ही पड़ती है, साथ ही साथ उन्हें जेल भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक रहेंगे तो पुलिस से आप नहीं डरेंगे, बल्कि पुलिस आपके साथ गलत करने से डरेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।